दिव्या बहन फतेहपुर सेवा केंद्र से इंचार्ज हैं। आप भी 27 वर्षों से समर्पित रूप में सेवाएं दे रही हैं दिव्या बहन। ओम शांति। ये जो भक्ति का कार्यक्रम रखा, शुरुआत में तो मैं नहीं आ पाई, लेकिन जब मैं कल आई तो जो कल बाबा की जो मुरली थी चार सत्ताओं की, तो कल आते ही जैसे सारा दिन मैं अनुभव कर रही थी इस वातावरण में, क्योंकि वातावरण तो पहले से ही बना हुआ था, स्वराज्य अधिकारी, तो उसमें मेहनत नहीं लगी। पूरा ही समय ऐसे अनुभव हो रहा था कि मैं आत्मा इस देह से बिल्कुल अलग हूं, और जैसे बाबा ने कहा बेफिकर बादशाह, तो पूरा ही समय अभी तक कहीं न कहीं जब बैठते हैं सेंटरों पर योग करते हैं तो कहीं न कहीं कोई न कोई बातें तो याद आती ही हैं, कारोबार याद आती है, लेकिन इस भट्टी के बने हुए वातावरण से कल से मुझे यही अनुभव हो रहा था कि कोई भी संकल्प नहीं, कोई भी बातें नहीं, भले काम करने हैं लेकिन इस एटमॉस्फेयर में इतना बेफिकर, इतना निश्चिंता का अनुभव हो रहा था, तो महसूस हो रहा था कि निश्चिंतता क्या होती है। तो ऐसे ही जैसे मधुबन जाते हैं तो मधुबन में महसूस करते हैं, वहां तो कारोबार को बिल्कुल स्टॉप करके जाते हैं, लेकिन यहां हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। कल ऐसे अनुभव हो रहा था कि जैसे बिल्कुल कोई काम ही नहीं, बिल्कुल निश्चिंत और अपनी स्थिति को बिल्कुल न्यारा और एकाग्रता का बहुत अभ्यास अनुभव हो रहा था। तो ऐसे तो अपनी स्थिति को बनाते हैं, लेकिन जैसे बाबा बोलते हैं कि संगठन का योग या संगठन में एक बहुत बड़ा बल होता है, तो इसका अनुभव में कल बहुत सारा दिन मैंने किया। भले ज्यादा समय मैंने योग नहीं किया, 11:30 करीब आ पाई थी, लेकिन थोड़े ही समय में उस स्थिति का बहुत अच्छा अनुभव हुआ। ओम शांति।